तुम्हारे बच्चे उपवास करने से तुम खुश हो जाते हो क्या? नहीं। मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए उपवास करता है तो तुम खुश हो जाते हो क्या उससे? कोई भूखा मरे तो तुम खुश हो जाओगे क्या? नहीं होते। उपवास ये भगवान के लिए नहीं करो, वो हनुमान जी के लिए उपवास नहीं करते। हम संतोषी माता के लिए नहीं उपवास करते, शिव जी के लिए नहीं उपवास करते। उपवास अपने लिए करते, अपना शरीर शुद्धि के लिए। अरे इन सब ये पेट को, यकृत को, इन सब को थोड़ा विश्राम देने के लिए हम उपवास करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं। नवरात्रों में हम बहुत गलत तरीके से उपवास करते हैं, आलू उबाल के खाते रहते हैं, खूब मिठाई खाते हैं और कहते हैं उपवास कर रहे हैं। जी उपवास नहीं, डाइट बदला है बस, ये उपवास नहीं है। शरीर शुद्धि के लिए उपवास करते, वो ठीक से किसी नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, इनसे पूछ के कैसे करना वो करो। शरीर में जो आम है, दोष है, इसकी निवृत्ति के लिए उपवास करते हैं। उस वक्त जैसे फल का रस लिया, फल लिया, पानी पिया, इस तरह से करके शरीर को शुद्ध करो। शरीर शुद्ध हो तो मन शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है, इसलिए उपवास करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर।